बहुत बड़ा हादसा हो गया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायर व्लॉग। और आज का व्लॉग पता क्या होने वाला है? तो आज जोधपुर के अंदर वर्ल्ड फेमस ढींगा गवर का मेला। क्या होता है ढींगा गवर का मेला? हाँ, ढींगा गवर का मेला नहीं पता आप लोगों को? तो पता है। चलो भाई, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ, और जिनको पता है अगर मैं कुछ गलती करूँ तो आप लोग कॉमेंट करके बता देना। तो इस मेले में क्या होता है कि जो लड़कियाँ होती है उनके हाथ में होती है एक लट, मतलब एक स्टिक, उससे वो मारती है लड़कों को। मतलब ऐसा नहीं कि यार खून आ गया, इतना भी जोर से नहीं, मतलब हंसी मजाक के लिए एक फन बनाया हुआ इस मेले के अंदर कि भाई उस लट से मारते हैं, जो सिंगल्स होते हैं उनकी शादी जल्द से जल्द होती है। मतलब जो कुंवारे लड़के होते हैं ना, उनको अगर उस लट की मार पड़े तो उनकी शादी जल्द होने का चांसेस रहता है। अब ये जो मेला है 2 साल के पार लग रहा, मतलब कोविड के अंदर 2 साल लगा नहीं था ये मेला, और 2 साल के पार लग रहा, तो मतलब क्राउड फुल ऑन होने वाला, मजा फुल ऑन आने वाला। बस ब्लॉग के एंड तक बने रहना। और हाँ, इसका टाइमिंग बता देता हूँ, ये शाम के 8 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक ये मेला रहता है। तो वहाँ की मजा बड़ा आने वाला। और ये जो है ना, पूरा सिटी के अंदर मतलब राउंड निकालते इस मेले का, तो मतलब 8 बजे से 4 बजे तक समझ लो कि कितना चलना भी पड़ेगा पैदल, बाकी मजा पड़ा है। आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि यार देखो ये चीज़ें क्या साल में एक बार ही होती है, और इस दिन आप ऐसा आलस करेंगे कि यार नहीं जाऊं या फिर बाद में देखेंगे, तो यार ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है। मतलब देखो यार, अगर साल में 2-3 बार हो रही है तो समझ आता है कि यार चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, बट एक साल में एक बार होती है और आप लोग नहीं जाते हैं। मैं तो कहता हूँ सब लोग आओ और मज़े करते हैं, और नहीं नहीं आ सकते तो कोई नहीं, मेरा व्लॉग एंड तक देखो, मज़ा आ जाएगा। सो एवरीवन, फाइनली हम लोग घर से निकल गए, और अभी टाइम हो रहा है 10:08 बजे, यानी कि ट्रेन हमारी है। अब देखते हैं हम में से किसको उठती है लट ज़्यादा लट, आगे देखते हैं, और इस ब्लॉग को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, और लट उड़ेगी जिसका मजा लीजिए। ये सब लट का असर है क्या रे दीदी?
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पावर में, फुल पावर में तो मिला पीयूष भाई। पीयूष कैसा मजा भाई, क्या तो क्या लट पे लट उठ रही है। ऐसा मौका लड़कों को भी मिलना चाहिए, लड़कों को भी मिलना चाहिए, तो पता चले तो भाई मजा तो आ रहा है, मजा आ रहा है और डर भी हो रहा है। ये मेला ऐसा, इसमें अपन है ना वापस राउंड लगाने नहीं जा सकते क्या। तो आप वो रिएक्शन देखो, वो देखो, ये देखो भाई क्या तो लट है। अभी हम लोगों ने लिया कोल्ड ड्रिंक ब्रेक ताकि लट टूटे, जिससे गर्माश हो गई बॉडी में, ठंडा हो जाए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो घर पे आते आते रात के 2 बज गए थे, और क्या तो है ना, कसम से बताऊँ ना, क्या तो बॉडी पेन कर रही है। मतलब जो लट उड़े हैं, कसम से घर पे आके शर्ट उतारा तब पता चला कि पीछे तो कुछ अलग ही है। एवरीवन, ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आपको तो बस कमेंट करना, हमें जो लट टूटे हैं कसम से हाथ पे, पीछे कमर पे, क्या तो खतरनाक भाई, मतलब क्या ही मेला है, मज़ा बड़ा है। हाँ, 20% मज़ा था तो 80% दर्द था, मतलब दोनों साथ में, सुख और दुख। और लड़कियों ने तो क्या मारा है, ज़्यादातर लड़कियों ने तो इतना धीरे धीरे मारा, बट जो औरतें थी पता नहीं किसका गुस्सा किस पे निकाल रही थी, क्या पता, मतलब अंधाधुन भाई, जो सामना आए बस मारो। बाकी बढ़िया फेस्टिवल था, मज़ा आया, सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। आई होप आप सभी ने भी बहुत इन्जॉय किया। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना हमारे यूट्यूब चैनल को। बाकी तो सब बढ़िया है, और अभी 1-2 घंटा सोएंगे क्योंकि अभी भी दर्द है कसम से। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।